नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। राजगढ़। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पंचारिया का बीते दिनों निधन हो जाने के बाद उनकी जगह पार्टी द्वारा आज सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा वर्ग के जिलाध्यक्ष के पद पर राधेश्याम पचवारिया मीणा की नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति पर सांसद रोलमल नागर, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलवर यादव, पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूजा सोंधिया, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के पी पवार, जिला महामंत्री श्याम मंडलोई, श्याम सिंह गुर्जर, गादिया मंडल अध्यक्ष मत सिंह यादव, रामदयाल नागर जामुनिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैडम, आपके पास पार्टी की क्या जिम्मेदारी है? मैं पूजा सोंधिया, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा से प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा से भी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हूँ वर्तमान। मैडम, इस तरह की जो आने वाले विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए जो क्या तैयारियाँ आप लोगों की, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, महिला मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा मैं दोनों मोर्चों में सक्रिय रूप से काम कर रही हूँ और हमारा पूरा मोर्चा प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ओबीसी मोर्चा भी और महिला मोर्चा भी बहुत सक्रिय काम कर रहा है। और जो शासन की योजनाएं केंद्र की और राष्ट्रीय स्तर तक की, हम केंद्र की और राज्य स्तर तक की जो योजनाएं हैं, हम हमारे निचले ग्रामीण स्तरों तक उनको पहुँचाने का और कोई समस्या सर अपना परिचय। राधेश्याम पचवारे, अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा। तो पिछड़ा मोर्चा की आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है पार्टी ने, और ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिले में, प्रदेश में, तो आपको, आप इस दायित्व को किस तरह से देख रहे हैं? सही चुनौती का समय है या पिछड़े वर्ग को साधना, किस तरह से थोड़ा सा आपको जिम्मेदारी तो क्या लग रहा है, पार्टी ने आपको इस मोर्चे की जिम्मेदारी क्यों दी है? पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे सकती है, पंचायत से छोटे कार्यकर्ता को कोई भी बड़ा दायित्व दे सकती है। कार्यकर्ता का ये जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना कर्तव्य हमारा। तो चुनौतियों के रूप में क्या क्या लगता है आपको, जो क्षेत्र में समाज में जाने में किस तरह की चुनौतियाँ हैं? कुछ भी नहीं है, चुनौतियाँ इसलिए नहीं है कि हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, उनने इतने सारे काम किए हैं कि केवल वो काम जाकर के हम बता दें वही काफ़ी है। चुनौतियाँ मुझे नहीं लगता कैसी कोई चुनौती है। आज आपके ताजपोशी के अवसर पर एक और जो एक खास बात हो रही है, किसानों का कार्यालय के सामने प्रदर्शन हो रहा था, सांसद जी से थोड़ी नाराजगी थी, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि ये नाराजगी पार्टी को महंगी पड़े आने वाले समय में? कुछ कहेंगे आप भी उस मौके पर यहाँ थे? देखिए, किसानों की नाराज़गी हो सकती है, किंतु किसानों को इतना दिया है कि आप स्वयं जाकर के देखें तो राजगढ़ के चारों तरफ जहाँ खाली खेत पड़े हुए रहते थे, आज चारों तरफ हरियाली है। किसके कारण? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। आज चारों तरफ आप मोहनपुरा परियोजना देख लीजिए, कुंडालिया परियोजना देख लीजिए, नरसिंहगढ़ तहसील में नई टाटा श्याम जी के पास जो परियोजना है वो देख लीजिए। तो किसानों के लिए तो पार्टी ने बहुत किया है। आज 6000 केंद्र सरकार दे रही है, 5000 मध्य प्रदेश सरकार दे रही है सम्मान निधि, तो भैया किसानों को तो खूब दिया है और उनके लिए पार्टी दे भी रही है, सरकार दे रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ओबीसी वोट बैंक के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए और कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार की तरफ से आज जो ताजपोशी इस मौके पर? ओबीसी मोर्चा की ओर से तो मैं मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक इतना बड़ा काम जो पूरे देश में कुछ ही प्रदेशों में हुआ। राजगढ़ से खबर समेत जगत के लिए जिला ब्यूरो चीफ शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.